साथ है महिलाओं के साथ? नहीं, महिलाओं के साथ नहीं है। अगर साथ रहती तो रोड पर रहते, अभी रोड पर रहते। बाल बच्चा रोता, हम लोग रोते। बाल बच्चा रो रहा तो नहीं रो रहा, 1000 में कुछ हो रहा है? हाँ, 1000 में कुछ होता है? महिलाओं के साथ नहीं साथ है, कोई नहीं साथ है, कोई नहीं साथ है। हम लोग अकेले संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं। इस बार की चुनाव में दिखा देना है नीतीश कुमार को कि महिला अब शोषण करने नहीं देगी। हम लोग का मान नहीं मानते हैं तो इनका भविष्य खराब है। ये कुर्सी से खींच के उतारेंगे हम लोग। जो हमारी मांग को मानेगा उसे हम चुनेंगे। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है इनकम टैक्स गोलम्बर के पास, और देखिए कितना जो है भारी मात्रा में, देखिए यहाँ पे अधिक मात्रा में जो है आशा कार्यकर्ताओं जो है सरकार के खिलाफ फुहार भर दिए। देखिए किस तरह से जो है यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से हजारों हजार की संख्या में जो है यहाँ पे आ चुके हैं आशा कार्यकर्ता और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए सब एक साथ जो है हुकार भर रही हैं, और देखिए किस तरह से जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम। देखिए यहाँ पे देखिए किस तरह से जो है आगे बैठ करके यहाँ पे रोड पर सड़क पर, और देखिए सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। देखिए लगातार नारा लगा, एक आवाज़ दो, हम एक है, हम एक है, हम एक है। और देखिए किस तरह से जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है। हम इन लोगों से गिर जाने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये लोग जो है लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी क्या क्यों कर रही है और मांगे इन लोग की आखिर क्या है। आइए हम इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। तनख्वाह देने के लिए हम लोग को वेतन दे मोदी। वेतन तो दे ही रहे हैं ना? नहीं नहीं दे रहे, 300 रुपया दे रहे हैं। 300 रुपया हम क्या होगा इस जमाना में? किससे मांग रहे हैं? मोदी से, तेजस्वी सरकार से, सब सरकार से। जी केंद्र सरकार से भी मांग रहे हैं और राज्य सरकार से भी मांग रहे हैं, दोनों मिलकर काम करवा रहा है। इसलिए नीतीश जी से, तेजस्वी से और मोदी सरकार तीनों से मांग रहे हैं। महिलाएं के साथ है बोलते हैं? महिलाओं के साथ नहीं, महिलाओं के साथ नहीं है। अगर साथ रहती तो रोड पर रहते, अभी रोड पर रहते। बाल बच्चा रोता, हम लोग रोते। बाल बच्चा रो रहा तो नहीं रो रहा, 1000 में कुछ हो रहा है? हाँ, 1000 में कुछ होता है? महिलाओं के साथ नहीं साथ है, कोई नहीं साथ है, कोई नहीं साथ है। हम लोग अकेले संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं। मैम क्या बोल रहे हैं? इस बार की चुनाव में दिखा देना है नीतीश कुमार को कि महिला अब शोषण करने नहीं देगी। हम लोग का मान नहीं मानते हैं तो इनका भविष्य खराब है। ये कुर्सी से खींच के उतारेंगे हम लोग। 2024 में प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को नहीं बनने दीजिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हमारी मांग को मानेगा उसे हम चुनेंगे। एक आशा वर्कर 1000 वोट दिलवा सकती है तो 1000 वोट का बहिष्कार भी करती है और वो वोट नीतीश कुमार के खिलाफ जाएगी। एक आशा वर्कर प्रधानमंत्री बनेंगे। आशा वर्कर का जो ये तादाद देख रहे हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र में 1000 की आबादी पे काम करती है। 1000 महिलाओं का पावर है हम लोग के हाथ में। कहाँ से आए आप? बेगूसराय से। बेगूसराय से पटना आ गए हैं? बेगूसराय से। यहाँ क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद तो है कि अगर ये नहीं देती है सरकार, अभी तक ये बहरी सरकार नहीं सुन रही है, लेकिन अपनी मांग को हम मनवा के रहेंगे। सड़क से सदन तक जाम करेंगे। जाइएगा सड़क से सदन तक? हाँ जाएंगे, हाँ जाएंगे। हाँ से मांग कर रहे हैं आप? मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार से मांग रहे हैं, बिहार सरकार, राज्य सरकार दोनों। हाँ दोनों से मांग करेंगे। सरकार को 2024 में 2025 में बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है, लेकिन आप हुजूम देख करके यह अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितना आक्रोश है। देखिए किस तरह से जो है यहाँ पे लगातार लगातार जो है लाखों लाखों की संख्या में जो है यहाँ पे आ चुका है। पूरा जो है इनकम टैक्स खचा खच बढ़ा हुआ है, लेकिन रुख मोड़ दिया गया है और इनकम टैक्स खाली कराया जा रहा है और बोला जा रहा है साइड के रास्ते से चलने के लिए। देखिए किस तरह से जो है यहाँ पे आशा कार्यकर्ताओं को रुख मोड़ दिया गया और जो है अब दूसरे रास्ते से जो है आगे की ओर बढ़, लेकिन ये लोग जो है प्रदर्शन करने से जो है बाज नहीं आ रही है। इनका कहना है कि हम लगातार इसी तरह से सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी। अब देखना यह होगा कि क्या इस प्रोटेस्ट के बाद या प्रदर्शन के बाद क्या इनकी मांगे पूरी होती है, सरकार क्या इनकी बातों को मानती है। लेकिन इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि अगर हमारी बातें अगर नहीं मानते हैं, अगर हमारी सरकार बातें नहीं मानती है तो इनको जो है 2024-25 में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और आशा कार्यकर्ता है जो है 1000 वोट अगर दे सकती है तो 1000 गिराने का भी इतना जो है क्षमता रखती है। बिहार सरकार के नहीं साथ साथ जो है केंद्र सरकार पर भी निशाना साध रही है और मोदी के खिलाफ भी लगातार नारेबाजी कर रही है और बिहार सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी कर रही है, तेजस्वी यादव के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं नीतीश कुमार का। तो साफ तौर पर इन्होंने यह भी कह दिया है कि हम 2024 में जो है इनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो क्या मुख्यमंत्री भी बनने नहीं देंगे। बहरहाल देखना यह होगा क्या इनकी बातों को जो है सरकार संज्ञान लेती है, देखना यही होगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप देख रहे हैं एक्टिविस्ट में, आपसे एक बहुत बहुत धन्यवाद।